देखिए कितने ओशंस हैं दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हम लोग पांच ओशंस की ही बात करते हैं, लेकिन उन पांच ओशंस में से चार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज था और एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं था। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ओशन कौन कौन से थे? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन की हम लोग बात करते थे बट ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं था। ये अलग बात है कि 2021 की शुरुआत में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है NOAA, जिसको आप बोलते हो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर्टिकुलर यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन ने साउदर्न ओशन को एक ऑफिशियल दर्जा दे दिया था। बट एक्चुअली में ये ओशन का दर्जा देता कौन है? तो ओशन का दर्जा देता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है सबके बीच में कंसेंसस करके डिक्लेयर करता है कि ये ओशन है या ये नहीं है। बट क्या ये पांचवें ओशन का जो फॉर्मल दर्जा अभी साउदर्न ओशन को मिला है ये IHO ने दिया है? नहीं, ये दिया है नेशनल ज्योग्राफिक ने। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मेल भी आया है, विवेक बर्नवाल का, इनका भी यही सवाल था सर कि एक पर्टिकुलर डाउट क्लियर करिए कि हम तो हमेशा से ही साउदर्न ओशन को पाँचवा ओशन पढ़ रहे हैं, तो अब ये नई चीज़ क्या आ रही कि भाई साउदर्न ओशन को पाँचवा ओशन बनाया गया? ये न्यूज़ इसलिए निकल के आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मल रिकॉग्निशन निकल के आ रहा है नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि IHO जो कि ट्रेडिशनली ओशंस को डिक्लेयर करता हुआ आया है, इसकी तरफ से अभी भी कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक नाम की जो संस्था है इसने 1915 से मैप जानना शुरू किए। इसने चार मैप्स को रिकॉग्नाइज, चार चार ओशंस को रिकॉग्नाइज किया है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। आप जानते हैं इनके बारे में। साउदर्न ओशन को बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट मान रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का, एक्सपर्ट्स का, बहुत सारी कंट्रीज तक का ये बोलना है कि साउदर्न ओशन एक ज्योग्राफिकली सेपरेट एंटिटी है, इसको सेपरेट मानो। लेकिन बहुत लंबे समय से इस बात पर विवाद चल रहा है कि साउदर्न ओशन का नाम क्या रखा जाए। क्या अंटार्कटिक ओशन का नाम रखा जाए, क्या ऑस्ट्रेलिया ओशन का नाम रखा जाए? ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय से बोल रहा है कि जो साउदर्न ओशन का पानी है ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पे पढ़ना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया ओशन पढ़ना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ने बोला कि नहीं, अंटार्कटिक ओशन नाम पढ़ना चाहिए। बट इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है साउदर्न ओशन। तो 8 जून के दिन, 8 जून को क्या है? वर्ल्ड ओशंस डे। अभी 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे है, ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। तो इस दिन से कहीं ना कहीं नेशनल ज्योग्राफिक ने साउदर्न ओशन को वर्ल्ड का पांचवा ओशन मानना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, NOAA नाम की संस्था ने 2021 की शुरुआत से ही मानना शुरू कर दिया है इसको। तो अब बस IHO बचा है जिसने नहीं माना है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट क्या है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की तरफ से कि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंटार्क्टिका को चारों तरफ से जो पानी घेरता है इसको अर्थ का पांचवा ओशन, जिसको बोला जाएगा साउदर्न ओशन। उसको कहीं कहीं पे एंटार्क्टिक और ऑस्ट्रल ओशन भी बोला जाता है, बट इसका ऑफिशियल नाम यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक ने साउदर्न ओशन दिया है, ठीक है ना भाई। अब अगर आप देखो तो 1915 से ही कहीं ना कहीं नेशनल ज्योग्राफिक और बहुत सी एजेंसीज मैप्स, एटलसेस, ग्लोब्स निकाल रही हैं। अब ऑब्वियसली बात, एक नई लाइन खींचेगी जहाँ पे क्लियरली साउदर्न ओशन को डीमार्केट किया जाएगा। वैसे तो आपको ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे साउदर्न ओशन डीमार्केट था, बट उसको कहीं ना कहीं फॉर्मल अप्रूवल नहीं मिल रहा था। अब फॉर्मल अप्रूवल यहाँ पे क्यों दिया गया? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि भाई अगर आप पैसिफिक ओशन के साउथ में चले जाओ, अटलांटिक ओशन में साउथ में चले जाओ और इंडियन ओशन के साउथ में चले जाओ तो ही मिलता है आपको साउदर्न ओशन का पानी। तो ये बेसिकली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के कोल्ड वाटर्स का एक्सटेंशन है, अलग से ओशन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं अलग से ओशन है। और इसके अलग से ओशन होने की वजह क्या है ये थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। 1888 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स है इसका वाशिंगटन DC में। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी, नेचुरल साइंस, इन्वायरमेंटल और हिस्टोरिकल कंजर्वेशन के फील्ड में ये जो संस्था है वो काम करती है। अब समझते हैं कि साउदर्न ओशन बना कब। ये साउदर्न ओशन बना है 3 करोड़ साल पहले, लगभग 30 मिलियन ईयर्स को। कब? जब एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका का लैंड मॉस एक दूसरे से टूट के अलग हो गया, और टूट के अलग होने की वजह से यहाँ पे बना ड्रेक पैसेज। आपको पता ही है कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया। ये पैंजिया धीरे धीरे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा और धीरे धीरे इसके टुकड़े अलग होते चले गए। रिलेटिवली ये जो अंटार्क्टिका का साउथ अमेरिका से टूटना है पूरी तरीके से, ये लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। और जब ये अंटार्क्टिका पूरी तरीके से साउथ अमेरिका से टूट के अलग हुआ तब यहाँ पे बीच में पैसेज बन गया जिसका नाम है ड्रेक पैसेज। और जब ये ड्रेक पैसेज बन गया तब कहीं ना कहीं एक करंट का फ्लो होना यहाँ पे शुरू हो गया। पहले क्या था, करंट यहाँ पे इसलिए नहीं फ्लो कर पा रहा था अंटार्क्टिका के चारों तरफ, चूंकि वाटर बॉडी थी ही नहीं। जो साउथ अमेरिका का साउदर्न पार्ट है वो कहीं ना कहीं
अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट को टच कर रहा था, तो पानी का कंटिन्यूस नहीं फ्लो हो पा रहा था अंटार्कटिका के चारों तरफ। लेकिन जैसे ही ये ड्रेक पैसेज बना, वैसे ही पानी का कंटिन्यूस फ्लो होने लगा यहाँ पे। इसके बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ। ये हम लोग आ गए गूगल अर्थ पे। अभी जब गूगल अर्थ में साउथ अमेरिका के पास जब आप जूम इन करोगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका का साउदर्न मोस्ट पार्ट दिख रहा है और इधर आपको दिख रहा है अंटार्कटिका के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, इसके बीच से ड्रेक पैसेज है। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से एक लंबी सी सब मतलब समुंदर के नीचे से एक माउंटेन रेंज सी चली आ रही है और ये माउंटेन रेंज कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के नॉर्दर्न एंड को साउथ अमेरिका के सदर्न एंड से जोड़ रही है। तो ये जो साउथ अमेरिका का सदर्न एंड है वो अंटार्कटिका के नॉर्दर्न एंड से इस पर्टिकुलर जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है। बस ये जो माउंटेन रेंज है ये ओशन के नीचे है और इसी माउंटेन रेंज के अंदर एक साउथ सैंडविच ट्रेंच है जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। और ये जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये साउदर्न ओशन में आती है और इस साउथ सैंडविच ट्रेंच के अंदर क्या है, इस साउथ सैंडविच ट्रेंच के अंदर है साउदर्न ओशन का डीपेस्ट पार्ट जिसको आप फैक्टोरियन डीप भी बोलते हो, जिसकी गहराई है 7235 मीटर, 7235 मीटर। याद रखिए ये जो सब मेरीन लैंड मास है, ये जो माउंटेन रेंज है जो कि पानी के नीचे है, साउथ अमेरिका के सदर्न पॉइंट को कह सकते हो आप अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पॉइंट से जोड़ रही है, उसमें यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे साउथ सैंडविच ट्रेंच है, उस साउथ सैंडविच ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पार्ट है फैक्टोरियन डीप पॉइंट जिसकी गहराई है 7235 मीटर। ये चीज़ पर्टिकुलरली न्यूज़ में थी, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ फाइव डीप्स एक्सपेडिशन डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढी गई है पाँचों ओशंस के डीपेस्ट पॉइंट की, ठीक है ना भाई। तो पांचों ओशन के जो डीपेस्ट पॉइंट की ज्योग्राफिकल लोकेशन जुड़ी गई थी वो उस फाइव डीप्स एक्सपेडिशन में जुड़ी गई थी और वहाँ पे मैंने साउथ सैंडविच ट्रेंच और इस फैक्टोरियन डीप पॉइंट की बात की थी। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके आपको बता दिया, ठीक है। तो कुल मिला के कनेक्शन कुछ इस प्रकार का है, आगे से ऐसे घूम के ये यहाँ पे कनेक्टेड है। बहरहाल इसको हमने देख लिया यहाँ पे। अब आते हैं अपने आगे की चीज़ पे। क्या लिखा हुआ है, One reason for considering it as separate ocean stems from the fact that much of the water of the southern ocean differs from the water in the other oceans. देखिए southern ocean का पानी बाकी oceans के पानी से अलग है। कहीं ना कहीं southern ocean के पानी में एक current बहुत dominate करता है, वो है Antarctic circumpolar current। और ये जो modern means आ रहे हैं delineate करने के southern ocean को बाकी ocean से, वो यही है कि जहाँ पर Antarctic circumpolar current बह रहा है, तो मान लीजिए ये अंटार्कटिका है और इसके बाहर अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बह रहा है, तो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के अंदर जितना भी पानी होगा उसको आप साउदर्न ओशन बोलेंगे। नॉर्मल करके इसमें ये माना गया था और पहले भी ये पैरामीटर तय किया गया था कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जहाँ जहाँ पे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा वहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए तो उसके नीचे का पूरा पानी साउदर्न ओशन होगा। और कहीं ना कहीं जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है ये 60 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड के आसपास ही बहता है, सॉरी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास बहता है, ठीक है। अब बात यह है कि देखिए अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे बहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि 60 डिग्री साउथ, या फिर टू बी प्रिसाइज तो जहाँ जहाँ पे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बह रहा है उसके अंदर का जितना भी पानी है वो साउदर्न ओशन का पानी मान लिया जाएगा। अंटार्कटिक सर्कमपोलर ओशन की करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अंटार्कटिका। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये डायरेक्शन भी दिखाऊंगा एक फिगर के थ्रू, थोड़ा रुके रहिए। तो ये जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है ये एक ओशन करंट है, ड्रेक पैसेज की खुलने की वजह से ये करंट बहना शुरू हुआ। तो ये करंट भी आप कह सकते हो कि जब ड्रेक पैसेज बना लगभग 3 करोड़ साल पहले तब बहना शुरू हुआ और यहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट बहता है, इसलिए इसको आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हो। अब बात की जाए भाई सदर्न ओशन के नाम की, देखिए 2000 में ही इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रपोज कर दिया था कि इसका नाम सदर्न ओशन रख देते, हालांकि ये नाम प्रपोज 1937 या 1935 के लगभग किया गया था, बट उतना पीछे नहीं जाते। 2000 में एक ऐसा समय आया जब ऐसा लगा कि हाँ भाई IHO से एक ऐसा प्रपोजल साइन हो जाएगा, रेटिफाई हो जाएगा, जिससे इस पर्टिकुलर ओशन को एक सेपरेट ओशन फॉर्मली मान लिया जाएगा। एक ड्राफ्ट प्रपोजल सामने रखा गया लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर रेटिफिकेशन नहीं मिल पाया। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि इस पर्टिकुलर ओशन का नाम अपने देश के नाम के ऊपर रखवाना चाहती थी। अगर आप बात करो IHO की, मैं IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसकी 94 मेंबर कंट्रीज हैं। जो भी लैंड लॉक कंट्रीज है वो IHO की मेंबर नहीं बन सकती, ऑब्वियसली बात है, केवल वही कंट्रीज जिनकी समुद्र के साथ बाउंड्री लगती है वही IHO की मेंबर बन सकती हैं। और इन मेंबर कंट्रीज ने क्या बोला,
जब इनसे पूछा गया कि भाई साउदर्न ओशन हम लोग बना रहे हैं, तो देखिए 94 में से केवल 28 कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया, और इन 28 कंट्रीज़ में से 18 कंट्रीज़ ने ये बोला कि भाई हम साउदर्न ओशन को मानते हैं, मतलब साउदर्न ओशन के नाम के ऊपर इन्होंने हामी भरी। तो कहीं ना कहीं उस समय से ही और काफ़ी पहले से 1953 के लगभग से ही बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स यूएस में इसको, खासकर यूएस में इसको साउदर्न ओशन बोला जा रहा है, और यूएस की ऑफिशियल एजेंसीज जिस नाम को रिकॉग्नाइज करेंगी वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, इसने फॉर्मली इसको साउदर्न ओशन बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से नाराज, ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि हमारे नाम पर इसका नाम पड़ जाए। तो साउदर्न ओशन का एक्सटेंड क्या है, तो भाई इक्वेटर से 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 60 डिग्री लैटिट्यूड को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भाई दिस इज द बाउंड्री ऑफ साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, तो भाई पहले चार ओशन थे, अब अगर साउदर्न ओशन पांचवा ओशन है, फोर्थ लार्जेस्ट है, तो कोई एक ऐसा ओशन होगा जो साउदर्न ओशन से छोटा होगा, तो बिल्कुल आर्कटिक ओशन साउदर्न ओशन से छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। साउदर्न ओशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेते हैं, इसको एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। ये जो पानी है साउदर्न ओशन का, ये बहुत टर्बुलेंट और डेंजरस माना जाता है, बाउंड्री की बात हमने यहाँ पे कर ही ली है। साउदर्न ओशन का जो इलाका है वो है लगभग 20.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यूएसए के साइज का दुगना साइज है, चौथा लार्जेस्ट ये बता दी। इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, जैसे पेंगुइंस, ब्लू व्हेल्स, ऑर्कास, कोलोसल स्क्विड्स, फर सील्स, ये सब पाए जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है साउदर्न ओशन पे। साउदर्न ओशन का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन करंट एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट इसके थ्रू बहता है। ये एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट कैसे एंटार्क्टिक ओशन के चारों तरफ के जो पानी को जरूरत से ज़्यादा ठंडा होने से रोकता है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो चूंकि अगर आप देखोगे कि इसका पानी बहुत टर्बुलेंट है, बहुत डेंजरस है, क्यों डेंजरस है, चूंकि यहाँ पे बहुत हाई विंड्स चलती हैं। आपने उन विंड्स का नाम सुना होगा ना, फ्यूरियस 40s, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s। तो ये जो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s है, ये विंड है जो कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे बहती है। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो श्रीकिंग 60s वाली विंड बहती है, विंड इतनी खतरनाक होती है कि इनकी आवाज़ ही श्रीक करने जैसी होती है। तो ऑब्वियसली बात है, ओशन को तो ये डेंजरस बना ही देंगी। तो एक ये भी रीज़न है कि साउदर्न ओशन बहुत डेंजरस है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या है इसका, तो दुनिया भर के समुंदर हैं, ओशंस हैं, नेविगेबल वाटर्स, इनका प्रॉपर सर्वे किया जाए, इनको चार्ट किया जाए, इनको प्रॉपर नाम दिया जाए। इसके 94 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, यह है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको में। कब से है, 1921 में जब IHO बना था तब से वहाँ पे। लिमिट्स ऑफ साउदर्न ओशन की बात करो तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो साउदर्न ओशन है इसकी जो बाउंड्री लग रही है वो अटलांटिक ओशन से लग रही है, इंडियन ओशन से लग रही है और इधर पैसिफिक ओशन से लग रही है। और कहीं ना कहीं जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है इस पूरे पे घूम रहा है, बस छोटा सा ये जो ड्रेक पैकेज है यहाँ पे, एक हल्का सा ये वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं साउदर्न ओशन के पैरामीटर में नहीं आता है, नहीं तो पूरा का पूरा इलाका साउदर्न ओशन के पैरामीटर में आ रहा है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के, जो भी और साउथ में है, समझ गए। तो काफ़ी बड़ा इलाका है ये। अब आ जाते हैं अपने फाइनल फिगर पे। इस फाइनल फिगर को मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, पहले तो आप ये देखो कि जो करंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, ये एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट आपको कैसे बहता हुआ दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से बहता हुआ दिख रहा है, ओके। और ये आपको बाहर की रेड बाउंड्री, अंदर की रेड बाउंड्री क्यों दिखा रहा है, ये बाहर की रेड बाउंड्री दिखा रहा है कि कभी कभी पोलर करंट ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी कभी पोलर की करंट अंदर की तरफ भी खिसक जाता है। तो ये जो आर्कटिक सर्कम पोलर करंट की जो आउटर पेरीफेरी है वो लगातार चेंज भी होती रहती है। अब अगर इसको आप इस पर्टिकुलर मैप में देखो तो चीज़ें आपको थोड़ी और समझ में आएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट कुछ इस प्रकार से बह रहा है एक डायरेक्शन में, और ये अंटार्कटिका के चारों तरफ बहता है। अब ये अंटार्कटिका के चारों तरफ बहता है तो ये टेम्परेचर को कैसे स्टेबलाइज करता है, यहाँ पे पानी को ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं होने देता है, उसका रीज़न ये है कि आप देखोगे कि बहुत सारे वार्म करंट्स यहाँ पे आके इस एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट में मिल रहे हैं। तो आप देखो, ब्राज़ील करंट यहाँ पे आके मिल रहा है, मोजाम्बिक करंट यहाँ पे आके मिल रहा है, अगुलहास करंट यहाँ पे आके मिल रहा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे आके मिल रहा है, किसके साथ, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट के साथ। और कहीं ना कहीं इसी के पानी से निकल के ये जो साउथ इंडियन
करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, बेंगुला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इस एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट का जो ठंडा पानी है वो थोड़ा थोड़ा इक्वेटर की तरफ जा रहा है, और इक्वेटर की तरफ से जो गर्म पानी है वो थोड़ा थोड़ा इस एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट के पास आ रहा है, और ओवरऑल पानी की मिक्सिंग हो रही है, और उस पानी की मिक्सिंग की वजह से ही एंटार्क्टिका के आसपास का जो समुंदर है उसका जो टेम्परेचर है वो जरूरत से ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो ये रोल है यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट का। एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर्स के ऊपर, और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज हो रहे हैं इसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट में भी देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ गया? ग्लोबल वार्मिंग के चलते आगे आने वाले समय में अगर ये एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एंटार्क्टिका की आइस पिघलने लगेगी, और अगर वो आइस पिघलने लगी तो एंटार्क्टिका की ज़मीन पर रहने वाले बहुत से पक्षी जीव जंतु मरने लगेंगे। तो ये सिंपल लॉजिक था, आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल की अगर आपको PDF चाहिए, ये सारे इमेजेस के साथ अगर आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इस आर्टिकल को प्रिंट मार के अपनी पढ़ाई के लिए रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पे जाके, मतलब harshitdwivedi.com पे भी जाके इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको होम पेज पे ही डेट वाइज कंपाइलेशन मिल जाएगा मेरे आर्टिकल्स का, आप उस हिसाब से आर्टिकल को पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं।